शाहपुरा विधानसभा सीट पर राजस्थान कांग्रेस ने एक युवा चेहरे पर विश्वास जताते हुए मैदान में उतारा है। हमारे साथ मौजूद है मनीष यादव, जो कि शाहपुरा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पिछले 15 सालों से लगभग जनता के बीच में सक्रिय हैं, तो क्या लगता है इस बार जनता का प्रेम आपको मिलेगा? आप मेरे हिसाब से शायद आप पिछले काफ़ी देर से यहाँ पर हैं मनीष भाई, और जो जनता का प्रेम आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि राजनीति वास्तविकता में चलनी चाहिए। मैं बहुत कुछ मेरे मुँह से कहूँ, बजाय आप इन माताओं से, बहनों से, नौजवानों से, बुजुर्गों से, बच्चों से, आप इनको देखेंगे, इनके चेहरे देखेंगे कि इनका भाव कैसा है। निश्चित रूप से ये जो चुनाव है, मेरा ऐसा मानना है, और मैं आपके TV चैनल पर, आपके YouTube चैनल पर मैं इंटरव्यू आज कर रहा हूँ, ये राजस्थान का एक तरफा चुनाव शाहपुरा का इस बार होगा और हम बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव को जीतने वाले हैं। तो किन मुद्दों को लेकर के आप ये चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, बहुत लंबे समय से हमारे क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं, हर जगह पर, मैं नहीं कह रहा, हमारे ही क्षेत्र में रहती हैं। चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, नाली, बिजली, कानून व्यवस्था, यहाँ पर बहुत सारे और मुद्दे, किसानों को लेकर के जो मुद्दे हो सकते हैं, व्यापारियों के मुद्दे हो सकते हैं, हमारे जो बच्चों के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड का इशू हो सकता है, हमारे बच्चों के लिए लाइब्रेरी का इशू हो सकता है, बहुत सारे इशूज़ हैं, उनको लेकर के हम काम कर रहे हैं। और स्पेशली जो मुद्दे रहे, उसमें इस बार जनता ने विशेष मुद्दा ये भी देखा कि जो पॉलिटिशियन, जिनको जनता के, उनके सुख दुख में खड़ा रहना चाहिए, और जैसा कोविड का जो टाइम आया, जो पूरे वर्ल्ड वाइड कोविड का टाइम रहा, उसमें हमारे यहाँ के जो जिम्मेदार जो MLA हैं, जिनको जिम्मेदार मैं इसलिए कहूँगा कि विधायक की कुर्सी जिम्मेदार होती है अपने आप में, लेकिन वो एक दिन चल करके जनता के बीच में नहीं आए। पूरे 2 वर्ष कोविड का इस टाइप का एक सुनामी रही, लहर सी रही, और उस माहौल में जनता को उन्होंने नहीं संभाला। हमारे भले ही वो गोमाता का लंपी की बीमारी हो, क्योंकि गाय को उस समय, चुनाव के समय लोग कुछ भी बताते हैं, लेकिन समय पर नहीं संभालते। और जो यहाँ की कानून व्यवस्था उनके राज में, उनको कांग्रेस की सरकार जरूर रही राजस्थान में और अभी भी है, लेकिन जो 5 वर्ष में जो निर्दलीय के तौर पर कांग्रेस ने उनकी मदद करी, या वो कांग्रेस के साथ रहे, तो वो जनता को उसका लाभ नहीं दे पाए। जो हमारा इशू था डिस्ट्रिक्ट बनने का, राजस्थान में 22 ज़िले बने, और 22 ज़िले बनने के बावजूद भी मुझे लग रहा है कि हमारा यहाँ ज़िला नहीं बनना एक बड़ी, बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारा ज़िला नहीं बना। तो मुझे लग रहा है कि इस प्रकार के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और ये मुद्दे सही मायने में जनता इनको देख रही है, और बहुत बड़े परिवर्तन के मन बनाकर जनता इस चुनाव में वोट करने वाली है। एक आखिरी सवाल है कि अगर सत्ता परिवर्तन की बात करें, तो क्या लगता है राजस्थान में इस बार 25 साल की परिपाटी बदलने जा रही है? निश्चित रूप से बदलने जा रही है। राजस्थान में इस बार कांग्रेस की सरकार दोबारा बनने वाली है, और बहुत बड़े, मैं जिस प्रकार से कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि 2018 में जब कांग्रेस की हवा थी, वेव थी, भले ही मैं उस समय कांग्रेस में टिकट पर, मैं 3800 वोट से चुनाव हार गया था, लेकिन ऐसा जो माहौल आज देख रहे हैं, वो इतना माहौल उस समय नहीं था जितना आज ज़्यादा माहौल कांग्रेस के पक्ष में बन पा रहा है। और मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस को, जिन नेताओं ने, पूरे प्रदेश कांग्रेस ने, मजबूती से हमारी कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने, सब ने खड़ा करके आज इस जगह तक पहुंचा दिया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में रिपीट हो रही है। तमाम नेता एकजुट होकर के हमारे राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं, और उसका असर जनता में नज़र आ रहा है, नेताओं की जनसंपर्क के अभियान में नज़र आ रहा है, और बड़ी एकजुटता के साथ पूरी कांग्रेस एकजुट होकर के इस चुनाव को जीतने वाली है।